आपका स्वागत है। खेरालू से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर हम टूढ़िया गांव काम कर रहे हैं। आ रहे हो भाई, ये रास्ता कृष्णनगर की ओर जा रहा है। ये रास्ता खेरालू की ओर जा रहा है और जहां हम सांप पकड़ने जा रहे हैं वो रास्ता बैटलीपुरा जा रहा है। इधर सामने वाला अभी अभी आगे जो गांव बताया वहीं भी हम शाम पर रेस्क्यू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुढ़िया के अंदर जो वडनगर तालुके का सुढ़िया गांव है वहां आए हैं और इन ग्रीन हाउस के अंदर जो मालिक बोल रहे थे कि अंदर सांप आया हुआ है, देखते हैं कौन सा सांप है, क्योंकि सांप में खतरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता और हम पहचानेंगे तो कहेंगे ये खतरे वाला है या खतरे बिना का। लेकिन जो भी होगा उसको हम सही सलामत पकड़ कर डब्बे में पूर कर जंगल विस्तार में हवाले कर देंगे। धन्यवाद। हम सांप का रेस्क्यू करने अंदर जा रहे हैं। हमने अभी अभी ये पूरा सामान ढूंढते यहाँ भी आए और महा मेहनत के बाद अभी अभी हमारी नज़र इस सांप के पड़ी है। अब इसको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस महा का सांप का जो लगभग 8 से 10 फुट लंबा है इसको पकड़ लिया है और एक ग्रीन हाउस के अंदर ठीक लाऊं इस महागाय दामन सांप जो बिना जहर वाला होता है हमको काटने की कोशिश किया है। लेकिन हम भी इससे कम नहीं, अंदर से पकड़ कर महा मेहनत के बाद बहुत महा मेहनत के बाद हमने इस दामन सांप का रेस्क्यू किया है और ये लगभग 7 से 8 फुट लंबा है और नर जाति का है। पहला पकड़ा बोला है 8 से 9 फुट लंबा दामन जाति का सांप है और हमने ग्रीन हाउस के अंदर से महा मेहनत के बाद हमने इसको रेस्क्यू किया है। इस डब्बे के अंदर ने पुरने की बहुत कोशिश की लेकिन इसका वजन इतना है, वो लंबा इतनी है तो आ नहीं रहा था वो। तो हम इसको इसके अंदर थैली के अंदर पुरने की कोशिश कर रहे हैं। महा मेहनत के बाद हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है।
શેઠવાડે વો તમારા બાટલા પકડે એવું લાગે બીજા જહેર વાળા આ તો બધા આવશે નેટ ઉપર એ તો એસકે એસકે ડરને કે કોઈ આવશ્યકતા નહીં હૈ ફોટો આવે તો ક્યાં કે કાઢતા હૈ તો ઇન્સાન કો કુછ ભી હોતા નહીં હૈ વો સાધારણ સાંપ લગ રહા હૈ લેકિન દેખા મેં બહોત બડા લગ રહા હૈ और लोग इससे डर रहे हैं लेकिन इस सांप से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई कोबरा जाति का हो तो डर लग भी सकता है लेकिन ये तो सादा सिंपल सांप है लेकिन इसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है। लोग इससे बहुत डरते हैं और इसमें कोई खतरे का टेंशन भी नहीं होता। धन्यवाद। यह गाँव है किदालू वडनगर तालुका और मेहसाणा जिला। यह मोहम्मद भाई वर्षों से घूम रहा था सांप यहाँ पर, कभी पकड़ने की कोशिश नहीं की। मोहम्मद भाई को बुलाया और उन्होंने आराम से पकड़ लिया। अब जंगल में छोड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आजू बाजू बदला अभी हमने सुंढिया बैटलीपुरा से जो दामन सांप का रेस्क्यू किया था वो बहुत बड़ा और लगभग 10 से 10 फुट के आसपास का है और इसको हम जंगल विस्तार के अंदर रिलीज करने आए हैं। देखो हम इसको छोड़ रहे हैं, नर जाति का है लेकिन तूफान भी बहुत कर रहा था। खतरे गाड़ी कटो का तू नहीं काटो गया। हमने इस दामन सांप को जंगल के अंदर छोड़ दिया है और वो उसके रास्ते हम हमारे रास्ते जा रहे हैं। धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगे शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, क्योंकि आप लाइक करोगे तो दूसरा वीडियो जल्द से जल्द आपके समक्ष हाजिर हो जाएगा। धन्यवाद।